पिछले वीडियो के आधार पर आज हम लोग एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे। देखिए, किसी विषय के उद्देश्य का निर्धारण करते समय हमें मुख्य रूप से राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकता है। विषय की प्रकृति, रीति रिवाज, परंपराएं तथा मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसी के अनुसार उसके वैल्यूज पता चलते हैं कि उसका क्या वैल्यू है, उसके क्या मूल्य है। प्राचीन समय में गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र दैनिक जीवन में काम आने वाले ज्ञान से ही संबंधित था। प्राचीन समय में दैनिक जीवन से संबंधित जो काम करने पड़ते थे उसके लिए गणित बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी जानकारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उसके अभाव में वह काम आप नहीं कर सकते थे। तो वैसे जगहों पर इसका क्षेत्र सीमित था, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान समय की अगर बात की जाए, तो हमारे समाज की सामाजिक ढांचा गणित पर ही आधारित है। जैसा कि आप लोगों को हमने स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स में बताया था कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो गणित आपके साथ साथ लगी रहेगी, उसके ज्ञान की जरूरत आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। तो यहाँ आप एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लें कि वैल्यूज और उद्देश्य, मूल्य और उद्देश्य या एम्स दोनों एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गणित का अध्ययन करते हैं और विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति ही गणित शिक्षण के उद्देश्य कहलाते हैं। इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि गणित शिक्षण के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वही उसके उद्देश्य हैं, वही उसके एम्स हैं। जैसा कि वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इंटेलेक्चुअल वैल्यूज क्या होते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या है, डिसिप्लिनरी वैल्यूज क्या है, सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, वोकेशनल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, वैल्यूज रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरनेशनल वैल्यू। इन सभी वैल्यूओं की चर्चा, मूल्यों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज
इसी के आधार पर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग के बारे में आप क्या लिखेंगे इसकी जानकारी दें। तो जो कुछ आपने वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग में लिखा है वही चीजें आपको एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग में लिखना है। केवल अंतर यही है कि जहां जहां आपने वहां वैल्यूज लिखा है यहां आपको केवल एम कर देना है, जैसे इंटेलेक्चुअल एम, प्रैक्टिकल एम, डिसिप्लिनरी एम इत्यादि, इस तरह से आपको लिखना है। एक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास इसका हम भेजेंगे बुक से, आप उसको ध्यान से पढ़ करके इससे संबंधित नोट्स आप बना लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो हम लोग मोबाइल के जरिए आप लोग से डिस्कशन होता ही रहता है, उसमें आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, ठीक है। एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस समय आप लोग लेसन प्लान बनाएंगे, या आप यह कह सकते हैं कि जिस समय आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी उस समय आपको लेसन प्लान बनाना होता है, बल्कि इसी सेमेस्टर में हम लोग आपको आइडिया दे देंगे, तो वहां एक कॉलम जनरल एम होता है, वहां पर गणित शिक्षण के जनरल एम क्या होते हैं इसके बारे में लिखना रहता है। तो अभी जो हम लोगों ने बात किया कि एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, इसमें टोटल आपका 11 एम है, 11 उद्देश्य है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर एक पॉइंट के अंदर 3-4 सब पॉइंट आपको उसके एम्स के बारे में मिल जाएंगे। तो इस नज़रिए से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि आपको कम 40-50 एम आप जो है मैथमेटिक्स ऑफ टीचिंग का आप बना सकते हैं। लेकिन लेसन प्लान में आपको कोई 4 ही एम लिखना रहता है, एनी 4, तो उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं। लेसन प्लान बनाने के समय आप लोग पूछिएगा नहीं कि सर इसके अंदर क्या लिखना होगा। पहला जो है उसमें आप लिखेंगे छात्रों को गणित के टर्म, सिंबल, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रोसेस इत्यादि की जानकारी देना तथा विकसित करने की योग्यता प्रदान करें। दूसरा पॉइंट, विश्लेषण, सोचने समझने, कारण बताने, तर्क करने की योग्यताओं का विकास करने का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, गणित के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। देखिएगा साइंटिफिक एटीट्यूड ऊपर में आपको मिलेगा एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग में, या वैल्यूज में आपने देखा होगा। तो इस तरह का पॉइंट हम उन जगहों से कलेक्ट कर सकते हैं। चौथा है, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर नवीन निष्कर्ष निकालने के गुण विकसित करें। यह 4 उद्देश्य लेसन प्लान जब बनाएंगे
उस वहाँ हम लोग इसे अप्लाई करें। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, तो आप टोटल 11 पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे या पूछा जाता है कि वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, तो जो वैल्यूज हैं चूंकि आप वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बोथ क्वेश्चंस आर सेम। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, अर्थ एक ही है कि गणित शिक्षण के मूल्य क्या हैं या गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने बताया कि उद्देश्य और मूल्य दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए गणित शिक्षण के जो मूल्य होंगे वही उसके उद्देश्य। अब अगला जो वीडियो हमारा आप लोग के साथ आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, थैंक यू।